यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना चैप्टर चल रहा था, वो था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में अभी तक अपन ने जो टॉपिक डिस्कस कर लिए थे वो थे कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, पोलर नॉन पोलर टाइप क्या होते हैं, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है किसी का वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, और कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि कैपेसिटर क्या चीज़ होती है और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। ये अपन ने क्लास की कल की क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ कैपेसिटर। उससे पहले थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे किस पे, कैपेसिटर पे और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो थोड़े दिन पहले अपन ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो अपन को उसकी साइज बढ़ानी पड़ रही थी, ठीक है। उसके बाद में एक कैपेसिटर नाम का प्राणी आया, तो कैपेसिटर ने कहा कि भाई हमें किसी टाइप का कोई सेल्फ साइज चेंज करने की जरूरत नहीं, मैं बिना सेल्फ साइज चेंज किए ही उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। तो कैसे किया, उसके लिए अपन ने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था कि एक चार्ज कंडक्टर सीट है, उसके पास में मैं दूसरी अनचार्ज कंडक्टर सीट लेके आया, उसको डी डिस्टेंस पे रखा, तो पहले वाली चार्ज कंडक्टर के कारण दूसरी वाली प्लेट के इनर साइड ने ऑपोजिट चार्ज हो गई, आउटर साइड सेम चार्ज हो गई, तो आउटर साइड वाले चार्ज को अपन ने क्या कर दिया था, ग्राउंडिंग कर दिया था। तो फिर देखा था कि फर्स्ट वाली जो प्लेट का जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल की वैल्यू को सेकंड वाली प्लेट के नेगेटिव चार्ज ने क्या किया था, डिक्रीज किया था। इसलिए ओवरऑल प्लेटों के बीच का पोटेंशियल क्या हुआ था, डिक्रीज हो गया था, और पोटेंशियल डिक्रीज होने की वजह से वहां पे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। ये अपन ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में। आज अपना मस्त वाला चैप्टर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है टाइप ऑफ कैपेसिटर। कल की क्लास में मैंने बताया था कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं, वापस स्टार्ट करते हैं कि कैपेसिटर देयर आर थ्री टाइप ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट वन पीपीसी देखा था, उसके बाद में अपन ने देखा था क्या देखा था बच्चों, सिलेंड्रिकल था और एक था फर्स्ट टाइप ऑफ हेडिंग। आज भी अपनी हेडिंग है टाइप ऑफ कैपेसिटर। आज की हेडिंग क्या है बच्चों, टाइप ऑफ कैपेसिटर। उसमें सबसे फर्स्ट टाइप था अपने पास पीपीसी। कैसा था पीपीसी बोले तो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद में सेकंड है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। थर्ड वन है वो है स्फेरिकल कैपेसिटर। कौन सा है बच्चों, स्फेरिकल कैपेसिटर। ये अपने तीनों हेडिंग डालेंगे, तीन टाइप के कैपेसिटर होते हैं। आज अपना फर्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है, पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या चीज़ होती है, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है। इस पीपीसी के बीच इन प्लेटों के बीच में अपन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर देंगे तो इसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। जैसे अपन इस पे सबसे फर्स्ट आज की हेडिंग डाल देंगे पीपीसी, ये तीनों लिखना है। उसके बाद में फर्स्ट अपनी हेडिंग है वो क्या है, पीपीसी। पहले अपन इसके पीपीसी पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद डेफिनेशन लिखते हैं। पीपीसी में क्या होता है बच्चों, देखना ध्यान से, देखना बिल्कुल ध्यान लगा के देखना है तुम्हें। ये दो प्लेटें होती है ऐसी, कैसी प्लेट होती है ऐसी, ये दोनों सबको क्या दिख रही है, पैरेलल दिख रही है, पैरेलल है, सेम डिस्टेंस पे है। तो पैरेलल मान लें इनके बीच की डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस कितनी है, डी। दोनों की खासियत क्या क्या होगी, दोनों का एरिया सेम होगा, इसका ए है तो इसका ए है, इसका बी है तो इसका भी बी है, इसका कुछ भी है तो इसका भी कुछ भी होगा, मतलब सेम सेम होगा। और ये देख लो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज, तभी तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। ये इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, देखना बच्चों ध्यान से, बहुत ही ध्यान लगा के देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट हो गया। इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया कितना इनके बीच का, वी पोटेंशियल है। तो इसको देखो, इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल तरीके से देंगे कि दो समान, दो इक्वल मतलब एरिया वाली, इक्वल लेंथ वाली यदि प्लेटों को अपन स्मॉल डिस्टेंस डी पे प्लेस कर देते हैं तो इस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, पीपीसी बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो पैरेलल प्लेट होगी एक दूसरे के और जिनका एरिया क्या होगा, समान होगा, एरिया सेम रहेगा, ये चीज ध्यान रखना, इक्वल लेंथ रहेगी, सेफ साइज सब कुछ सेम रहेगा, कर ले रहा चीज। इसको अपन क्या बोलेंगे, पीपीसी बोलेंगे। इस पीपीसी की अपन को क्या फाइंड आउट करना, इस पीपीसी का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना, मतलब इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, सबसे जनरली अपने दिक्कत क्या आती है बच्चों, कि डेरिवेशन अपन को स्टार्ट करना नहीं आता, अपन स्टार्टिंग कहाँ से करें वो अपन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी तो अपन बाद में तो बहुत बढ़िया बढ़िया धमाके करते हैं। तो आज अपन इस डेरिवेशन को उल्टा स्टार्ट करते हैं,
क्या करते हैं उल्टा, अपन को पता है कि इसमें फाइंड आउट क्या करना है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखना इसमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो कैपेसिटेंस सी इक्वल टू अपन को पता है क्यू अपॉन वी होता है, सबको पता है बच्चों। ये देखो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं उल्टा, फिर अपन श्यू दबाए इसको, श्यू स्टार्ट करेंगे वहां से। कैपेसिटेंस सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, क्यू तो क्या है चार्ज, तो चार्ज तो अपन इसको देंगे, चार्ज तो अपन इसको देंगे, क्यू चार्ज दे दिया, क्लियर है इस चीज में। इसमें क्या है, ये प्लस वाली प्लेट है और ये कैसी है माइनस है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू हो गया, सी क्यू तो हो गया। अपने पास वी क्या है बच्चों, वी क्या है पोटेंशियल, किन के बीच का, प्लेटों के बीच में। पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू ई इंटू डी, अपन जानते हैं वी इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। ये अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलेशन देखा हुआ है, इसकी वैल्यू होती है ई इंटू डी, कोई दिक्कत, इस वी की जगह ये वैल्यू रख देंगे। इसके अंदर देखो ई क्या है बच्चों, ई क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट, ड्यू टू प्लेट, अपन को पता है किसी भी कंडक्टर प्लेट, किसी भी चार्ज कंडक्टर प्लेट के कारण अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट वाला चैप्टर में फाइंड आउट किया था, कितना आया था, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि इसकी जगह नॉन कंडक्टर होती तो इसका क्या हो जाता, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसमें देखो बच्चों, इसमें दोनों वैल्यू में से ये तो कॉन्स्टेंट है, ये क्या है सिग्मा, तो सिग्मा क्या होता है बच्चों, याद करो पुराने दिन, सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चों, सरफेस क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, वापस चार्ज तो अपन दे रहे हैं, एरिया अपन को पता है ए है, कोई दिक्कत, मतलब ये यहाँ कहानी आके खत्म हुई, तब जाके अपने पास दोनों डिजिट। ये देखो ट्रिक बताया, अपन स्टार्ट करेंगे श्यू, कैसे स्टार्ट करेंगे, श्यू स्टार्ट करेंगे तो अपने पास डेरिवेशन आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग अपन भूल जाते हैं कि स्टार्टिंग अपन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूं, सबसे फर्स्ट ये लिख दूं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या लिख दूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सब जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है बच्चों, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, तो बच्चों बताओ सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपन कितना दे रहे, क्यू एरिया कितना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम किसी को, नो प्रॉब्लम। सिग्मा के बाद बोचो क्या आता है, ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट, ड्यू टू कंडक्टर प्लेट, ड्यू टू कंडक्टर प्लेट, ई इक्वल टू हम जानते हैं ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा की वैल्यू कहाँ पड़ी बोचो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो सिंपल सी बात मैं यहाँ पे लिख दूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए, तो यहाँ पे लिख दिया क्यू अपॉन ए, ये लिख दिया क्यू अपॉन ए। इक्वेशन नंबर सेकेंड सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए रख दिया, बाकी एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट रखा। अब बोचो क्या बताओ ई के बाद क्या फाइंड आउट करना, वी मतलब क्या, पोटेंशियल मतलब क्या, दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस डी और पोटेंशियल क्या हो वी, इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट डी एंड पोटेंशियल कितना है वी, पोटेंशियल वी, देन क्या हो जाएगा, देन यह हो जाएगा वी इक्वल टू ई इंटू डी, वी इक्वल टू हम जानते हैं इसका रिलेशन वी इक्वल टू ई इंटू डी होता है, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोचो, वी इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो ई की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड में तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड वी इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है बोचो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, इंटू डी, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत इसमें, नो दिक्कत। ये वी की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर क्या आ गया बच्चों थर्ड, हमें क्या फाइंड आउट करना था, कैपेसिटेंस सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये सारी रामायण अपन ने वी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ही की, क्योंकि वी की वैल्यू के लिए ई जरूरी है, ई के लिए सिग्मा जरूरी है, सिग्मा के लिए ए जरूरी था, तो यहाँ से स्टार्ट किया, वी की वैल्यू है, वी की वैल्यू इस कैपेसिटेंस के अंदर लिखेंगे, तो लिख देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, हम जानते हैं सी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन वी, वी की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर थर्ड में, वी की वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अभी इसको मिटा देते हैं, अपनी जरूरत नहीं है इसकी, ये कंसेप्ट याद रखने के लिए तुम्हें बताया था।
ये स्यू स्यू के अंदर सी की वैल्यू रख दो, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वी की वैल्यू कहाँ पड़ी है, ये पड़ी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, क्यू से क्यू गया, एप्सिलॉन नॉट ए कहाँ जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, ये अपने पास कैपेसिटेंस आ गया बच्चों। किसका कैपेसिटेंस आ गया, ये आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होगी चार्ज होल्ड करने की। अब बताओ ये सी किसके प्रोपोर्शनल है, सी प्रोपोर्शनल ए के, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, डी के, ये ध्यान रखना। मतलब ये हुआ, मतलब क्या हुआ कि ये प्लेटें जितनी ज्यादा मोटी होगी, मोटी मतलब इसका एरिया, एरिया जितना ज्यादा होगा प्लेटों का, जितनी मोटी होगी उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, और क्या, और जितनी प्लेटें दूर 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 होगी उसका कैपेसिटेंस उतना कम होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादा दूर जाएगा तो पोटेंशियल कम नहीं हो पाएगा, और पोटेंशियल कम नहीं हो पाएगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू धीरे 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 डिक्रीज होगी, ये ध्यान रखना। जितनी डिस्टेंस बढ़ाओगे कैपेसिटेंस घटेगा, और जितनी मोटी प्लेटें लोगे उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। बहुत ही अच्छी सी डेरिवेशन, सबको समझ में आई होगी। अब बच्चों अभी 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 अपन ने थोड़ी दिन पहले पढ़ा था कि डायलैक्टिक सब्सटेंस कोई चीज होती है, क्या होती है डायलैक्टिक सब्सटेंस, डायलैक्टिक सब्सटेंस अपन ने देखा था क्या होता है कि डायलैक्टिक सब्सटेंस ऐसी चीज होती है जो इलेक्ट्रिक फ्लो तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो नहीं करती, लेकिन यदि उसको कैपेसिटर के बीच में भर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये अपन ने थोड़े दिन पहले देखा था। तो अभी अपन क्या करेंगे कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तीन कंडीशन देखेंगे। तीन कंडीशन क्या क्या देखेंगे, ये तो अभी तक देखो अभी बीच में क्या था, वैक्यूम था, क्या था वैक्यूम, इसके अंदर पूरा का पूरा मैं क्या कर दूं, डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस भर दूंगा, कितना भर दिया पूरा का पूरा। फिर मेरे को लगा यार मैं पूरा नहीं भरूं, मैं तो क्या भरूं, मैं तो आधा आधा ही भरूं, इतना मोटाई का भर दूं, मान लिया टी विड्थ का भर दूं, ये भर दिया, फिर मैंने इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं ऐसा भी नहीं करूं, मैं तो ऐसा करूं कि ये पतली पतली प्लेटें, बहुत सारी प्लेटें अलग अलग, ये जो डायलैक्ट्रिक की वैल्यू की सब अलग अलग भर दूं, तो अलग अलग भरूंगा तो इसका कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज अपन करेंगे। सबसे पहले तो कम्प्लीटली फिल करेंगे, फिर पार्शियली फिल करेंगे, फिर डिफरेंट थिकनेस की अपन प्लेटें अंदर डालेंगे, तो क्या होगा, तो ऐसा होगा देखो, सबसे फर्स्ट हेडिंग डालेंगे कि इफ कंप्लीटली फिल्ड डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन पीपीसी, इफ कंप्लीटली फिल्ड डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन पीपीसी, तो कंप्लीटली देखो भरने के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें हैं। ये मैंने क्या ले लिया, पीपीसी ले लिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये पॉजिटिव 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 और नेगेटिव 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 कंप्लीटली फिल कर रहे हैं, तो कंप्लीटली फिल करने के लिए मैं इसके अंदर पूरा का पूरा डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस भर दूं। ये मैंने डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया पूरा का पूरा, क्लियर है चीज बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इस डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ वो कितनी, एप्सिलॉन आर डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस अपन ने इसके अंदर बीच में भर दिया, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, एरिया ए है, और ये क्यू चार से चार्ज दे, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं है, बहुत ही सिंपल बच्चों, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको अपन देखते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते, देखो सेम कान नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सबसे फर्स्ट हम वी नो दैट इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं एक स्टेप को, सिग्मा इक्वल होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो इस सिग्मा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये चीज ध्यान रखना कि इसके अंदर जितना डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस बढ़ेंगे उतने टाइम उसके, अपन ने पहले देखा था क्या पढ़ा था कि मीडियम के प्रोसेस में कितने टाइम उसकी बढ़ जाती है, जितने टाइम अपन जितना अपन डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस बढ़ते हैं उतने टाइम उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस एप्सिलॉन नॉट की जगह अपन पास में क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन आर, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एप्सिलॉन आर डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस अपन यहाँ पे फिल किया है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत इसमें नहीं। फिर हम जानते हैं कि पोटेंशियल
V इक्वल टू क्या होता है E इंटू डी। V इक्वल टू E की वैल्यू क्या है ये पढ़ी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए इंटू डी। कोई प्रॉब्लम पूछो नहीं, सेम सेम डेरिवेशन, ओनली एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो वी नो दैट C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस C इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। C इक्वल टू Q अपॉन, V की वैल्यू क्या पड़ी ये पड़ी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए इंटू डी। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चलाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ओवर डी। बच्चों जिंदगी में काजू बहुत बनाई होगी, ये किसके अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, ये मीडियम के प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो इसको एम लिख दूँ, एम फॉर मीडियम। ये देखो काजू है बनानी है अपन को, काजू बना लो, ये काजू बना ली ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी क्या होता है, बचपन वाली कहानी थोड़े दिन पहले वाली बात करो कि एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी इन वैक्यूम। यदि बीच में क्या है वैक्यूम है तो उसका कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी है। वैक्यूम के लिए अपन डायरेक्ट सी लिखेंगे, सी एम इक्वल टू डायरेक्ट सी लिख रहे थे, चाहे सी नॉट लिखो, सी लिख दिया मैंने, सी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, ये एप्सिलॉन आर है तो ये एप्सिलॉन आर इससे मल्टीप्लाई, मतलब इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यदि पीपीसी के बीच में, ये बातें ध्यान रखना, यदि पीपीसी के बीच में आप कंप्लीटली क्या कर दो, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दोगे तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा, जितना आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है उसकी वैल्यू के मल्टीप्लाई टाइम में, उतना टाइम से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट थर्ड जो इसकी कंडीशन, सेकेंड कंडीशन है। अब अपन कंप्लीटली नहीं भर रहे, क्या भर रहे, पार्शियली भर रहे, क्या कर रहे हैं, पार्शियली फिल डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन पीपीसी, पार्शियली भर रहे। तो बहुत ही सिंपल, देखो बच्चों ये इसको शो कर दो, अपने पार्शियली भर दिया मैंने, मान लिया ये भर दिया, क्या भर दिया, ये पार्शियली फिल कर दिया, कितने मोटाई का, टी मोटाई का बच्चों, टी मोटाई का मैंने डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया, जिसकी वैल्यू मान लिया की कितनी है, कि बार बार मैं एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर भी ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है कि एप्सिलॉन आर नहीं लिया सर, इस बार कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा है वैसा ले सकते हो, के ले लिया मैंने, क्या ले लिया, के सब के डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस ले लिया। अब बच्चों बताओ इसके अंदर क्या इफेक्ट आएगा, इफेक्ट आएगा कहाँ इफेक्ट आएगा, इसके अंदर दो चीजें बन गई, देखो साइड साइड में तो क्या है, वैक्यूम है, साइड साइड में तो क्या है, वैक्यूम है, और बीच में क्या है, बीच में डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। तो वैक्यूम और डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बीच में अपन थोड़ा सा देखेंगे, दोनों को अलग अलग करके अपन को दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको मैं मिटा के स्टार्टिंग से करता हूं ताकि आराम से तुम लोगों को ये चीज माइंड में बैठे। तो बच्चों देखो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, ये देखूंगा कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, वो तो होता ही है। फिर मैं देखूंगा ई इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज अपॉन, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इक्वल टू क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये किसकी बात होगी अपने, ये बात होगी साइड की, वैक्यूम की। वैक्यूम की मतलब वैक्यूम है ना, वैक्यूम। वैक्यूम के लिए मैं इसको नॉट लिख दूं, तुम लोगों को याद रहेगा इजीली इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड मीडियम है ना, मीडियम, मीडियम बोले तो ये वाला मीडियम के लिए मैं ई क्या लिख दूं, ई एम लिख दूं। ई एम क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के हो जाएगा। के सब्सटेंस भरा तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, के से हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब अपने पास पोटेंशियल, अब अपने पास क्या आ गया, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बच्चों देखो V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी, E इंटू डी। तो यहाँ तो E दो दो है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तुम ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। पहले फर्स्ट वाले का देखो, E क्या है, फर्स्ट वाले का E नॉट क्या है, E नॉट, ये E नॉट इंटू इसकी, इसकी बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी है, इस टोटल में से ये K माइनस कर देंगे, K मतलब कितने वोट है, टी। टोटल डिस्टेंस कितने, डी, डी में से टी माइनस कर दूंगा तो वैक्यूम रहेगा ना, तो ये बाकी वाला कितना रहा, इधर वाला और इधर वाला ये कितना है, डी माइनस टी है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, डी माइनस टी, क्लियर है चीज। प्लस प्लस कर दो किसका, मीडियम का, मीडियम का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एम इंटू इसकी मोटाई कितनी, टी। तो ई एम इंटू टी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। ई नॉट और ई एम की क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। तो ई एम की वैल्यू कितनी है, तो अपने पास E0 और EM की वैल्यू क्या है वो अपन यहाँ पुट कर देंगे। तो E0 की वैल्यू क्या है बच्चों देखो, ये Q अपना एप्सिलॉन नॉट इसकी जगह रखो, V इक्वल टू Q
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस एप्सिलॉन नॉट एम की वैल्यू, एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या है सॉरी ई एम की, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के, ये टी हो जाएगा। कॉमन क्या है एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन रे का क्या आ गया कॉमन, तो वी की वैल्यू क्या आ गई एप्सिलॉन नॉट ए, ये कॉमन आ गया डी माइनस टी प्लस यहाँ से क्या बच्चा बच्चों टी अपॉन के, टी अपॉन ये टी अपॉन के बच्चा ये तो कॉमन आ गया। पर ये अपने पास वैल्यू किसकी आ गई बच्चों वी की, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब अपने पास बस वैल्यू क्या है कैपेसिटेंस की, अपने पास डेफिनेशन है कैपेसिटेंस क्या है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस सी इक्वल क्या होता है क्यू अपॉन वी, ये क्यू अपॉन वी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट कर दो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखो सी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। कोई प्रॉब्लम किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यू से क्यू शू गया तो सी इक्वल टू क्या बोचा बच्चों सी इक्वल टू बोचा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए के ऊपर चला जाएगा अंदर क्या बच्चा नीचे टी माइनस डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये अपने पास आ गया फॉर्मूला किसका कि जब अपन पीपीसी के बीच में, जब अपन पीपीसी के बीच में टी मोटाई का टी थिकनेस का कोई डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस अपन इसके बीच में फिल कर देते हैं तो इसका सब्सटेंस की वैल्यू क्या होगी सॉरी कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगी वो इतनी होगी। ये चीज़ ध्यान रखना इस टी की जगह आप कुछ भी मोटे थिकनेस ले सकते हो, इस के की जगह आप कुछ भी ले सकते हो ठीक है ना, डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस और ये दोनों कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं हुई। इसी टाइप से अपन ये पार्शियली नहीं भर के अपन क्या कर देते अपने दिमाग में जैसे जैसे ख्याल आ रहे हैं वैसे वैसे अपन इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। थर्ड कंडीशन अपन देख रहे हैं कि यदि पीपीसी के बीच में बच्चों क्या कर दूं मैं कि ऐसा कुछ करूं कि कुछ कुछ करूं कुछ कुछ क्या करूं कि इसके बीच में मैं बढ़िया बढ़िया कुछ करूं डिफरेंट टाइप क्या कर दूं डिफरेंट टाइप डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस विथ विथ डिफरेंट थिकनेस की प्लेटें मैं बीच में क्या कर दूं फिल कर दूं। तो बच्चों देखो ये प्लेटें कर दिया मैंने, क्या कर दिया ये प्लेट बना दी, ये पीपीसी बना दिया, ये शू बना दिया पीपीसी, ये पीपीसी के बीच में ये इसके बीच में ये प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये माइनस 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 हो गया। अब मैं डिफरेंट टाइप की प्लेटें फिल कर दूं कि कैसे कर दूं बच्चों देखो ये मैंने कर दिया एक प्लेट यहाँ डाल दी, ये प्लेट डाल दी क्लियर है, उसके पास में मैंने ये डाल दी, उसके पास मैंने ये डाल दी डॉट 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 ऐसे ऐसे मैं प्लेटें भरता ही गया ठीक है, ये मैंने एन तक भरता गया, मतलब इसका मैं डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस ले रहा हूँ के वन, इसका के टू, इसका के थ्री डॉट 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 ऐसे 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 मैं के एन तक जा रहा हूँ, कितने तक जा रहा हूँ के एन तक जा रहा हूँ, और इनकी मोटाइयाँ मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ बच्चों कितनी टी वन टी टू टी थ्री डॉट 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 ऐसे टी एन तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है टी एन तक जा रहा है। तो अपन को फाइंड आउट करना बीच की इन टोटल डिस्टेंस तो डी है ही कॉमन है और पोटेंशियल अपन कितना मान रहे वी मान रहे ये अपनी बातें हैं। तो अपने पास क्या फाइंड आउट करना, अपने इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी बच्चों, बहुत ही अच्छा बहुत ही सिंपल, तुम लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपन वही जानते हैं कि ई इक्वल टू क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कॉमन सेंस वाली बात, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन ए, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, तो इसकी जगह मैं एक कॉमन फॉर्मूला लिख दूँ ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ए, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबके लिए अलग अलग होगी, इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए उसके लिए उसके लिए सबके लिए अलग अलग होगी, तो सबके लिए सब अलग अलग होगी, तो फिर फर्स्ट ई के वन लिखूंगा, तो के वन अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा जितना टाइम इलेक्ट्रिक ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अपन है भरा, तो ई के वन के लिए क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए तो ही है और क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें के वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों के वन, इसी टाइप क्या हो जाएगा ई के टू के लिए क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए है इसका डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस कितना के टू, इसी टाइप के थ्री के लिए क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के थ्री, इसी टाइप से के एन के लिए क्या हो जाएगा
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के एन। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, एक इलेक्ट्रिक की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू आ गई। अब पोटेंशियल वी इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू, यहाँ पे अब ई की वैल्यू तो इतनी सारी पड़ी है और डी की वैल्यू भी इतनी सारी पड़ी है, टी वन टी टू टी थ्री टी एन इतना, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन सबके लिए अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वी इक्वल टू फर्स्ट वन के लिए क्या हो जाएगा, ई के वन, ई की जगह आ जाएगा ई के वन इंटू क्या, इंटू क्या डी की वैल्यू टी वन, वन के लिए टी वन, टू के लिए टी टू, थ्री के लिए टी थ्री, प्लस सेकेंड के लिए, सेकेंड के लिए क्या है ई के टू इंटू टी टू प्लस ई के प्लस ई के थ्री इंटू टी थ्री प्लस डॉट 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 ई के एन इंटू टी एन, इस टाइप से ऐड होता रहेगा जाते जाते, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। के वन के टू के थ्री की वैल्यू देखो, मैं स्टेप बाउंस कर रहा हूँ, एक क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक कॉमन आ रहा है, सब में ही आएगा, तो मैं सीधा ही बाहर लिख देता हूँ v इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ जाएगा, अंदर ऊपर से क्या बचेगा टी वन, और इसके नीचे जो ये के वन के टू के थ्री ये बच रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा, ऊपर टी वन अपॉन के वन, उधर से टी टू अपॉन के टू, थर्ड से टी थ्री अपॉन के थ्री, प्लस डॉट 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 टी एन अपॉन के एन। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इक्वेशन नंबर अपने पास क्या आ गई, ये इक्वेशन जो भी मानो अपन, ये वी की वैल्यू आ गई, तो अपन कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से, बाय कैपेसिटेंस डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वी की वैल्यू पढ़िए, ये पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ वी, तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन, ये एप्सिलॉन नॉट ए तो ही है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए तो ही है, अपॉन में इसके आगे क्या वैल्यू है ये पढ़ी, तो टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू प्लस टी थ्री अपॉन के थ्री प्लस डॉट 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 टी एन अपॉन के एन। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बच्चों बताओ, ये अपॉन में क्यू है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये क्यू से ये क्यू कैंसिल आउट हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया। बच्चों नीचे क्या बच्चा, जो बच्चा वो लिखेंगे टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू प्लस टी थ्री अपॉन के थ्री प्लस डॉट 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 टी एन अपॉन के एन, ये अपना फाइनल आंसर आ गया किसका, कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी। कब, जब अपन डिफरेंट टाइप के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डिफरेंट टाइप की थिकनेस वाले डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पीपीसी के बीच में अपन फिल कर देंगे, तब उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू ही आएगी। तो बच्चों अपन ने इस आज की क्लास में ये पढ़ा है पीपीसी क्या होता है, कि ऐसे ऐसा कैपेसिटर जिनकी दो प्लेटें होती है, दोनों का एरिया एक इक्वल रहता है, लेंथ इक्वल रहती है, मतलब ज्योमेट्रिकल दोनों शेप क्या होते, दोनों इक्वल एक जैसे रहता है, स्मॉल डिस्टेंस डी पे अपन रख देते हैं, उसको अपन पीपीसी बोलते हैं। उस पीपीसी की कैपेसिटेंस की वैल्यू अपन ने फाइंड किया था, सी इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी आया था, कि प्लेटों की मोटाई जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा, बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस उतना कम, ये पढ़ा। उसके बाद में अपन ने देखा कि प्लेटों के बीच में पूरा का पूरा डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस भर देंगे तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अपन ने देखा कि उतने टाइम वो इंक्रीज हो गया था। फिर अपन ने कम्प्लीटली फिल नहीं करके अपने टी मोटाई का एक डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस फिल किया तो उतने टाइम वो बढ़ा, और फिर अपन ने डिफरेंट टाइप की ऐसे प्लेटों के टाइप में इसके बीच में भर दिया तो अपने पास ऐसा फॉर्मूला आया। तो इस टाइप से अपन ने अलग अलग तीन टाइप के अपन ने इस सब्सटेंस को देखा और इन तीनों को डेरिवेशन में देखा। अच्छे से तुम लोगों को इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अपना आता है वो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, अपने सिलेबस में नहीं, अपने पास नेक्स्ट आएगा स्फेरिकल कैपेसिटर। कौन सा आएगा बच्चों, स्फेरिकल कैपेसिटर, जो अपन कल की क्लास में देखेंगे। पीपीसी की डेफिनेशन मैंने नहीं लिख पाई थी, पीपीसी की डेफिनेशन लिख दो, उसके बाद आज की क्लास अपन समाप्त करेंगे। नेक्स्ट की क्लास में कल अपन सिलेंड्रिकल कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर देखेंगे। इसके अंदर लिखो पीपीसी की डेफिनेशन, व्हेन टू मेटालिक प्लेट्स ऑफ सेम ज्योमेट्री एंड सेम एरिया आर एट स्मॉल डिस्टेंस एंड आर हेल्ड इन एयर पैरेलल टू ईच अदर देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये डेफिनेशन तुम लोगों को लिखनी है इसकी पीपीसी की। और इसी के साथ आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अच्छे से 12th इंग्लिश पढ़े वाले स्टूडेंट्स, अच्छे से तुम लोगों को ये नोट्स तैयार करने हैं। कोई भी डाउट है तो तुम लोगों को मैंने पहले ही बताया कि व्हाट्सएप नंबर पे आप डाउट भेज सकते हैं, आपका प्रॉब्लम जो भी है सॉल्यूशन मैं करके वापस भेजूंगा। और जब भी अपना स्कूल री ओपन होगा अच्छे से अपन एक बार इसका सबका रिविजन करेंगे। रिविजन तभी हो पाता है जब आप इसको अच्छे से लर्न करके आएंगे। लर्न करा हुआ नहीं होगा तो सब कुछ नया लगेगा, और नया लगना जहाँ पे नया लगता है वहाँ पे रिविजन नहीं कहते उसको,
तो अच्छे से तुम लोगों को अच्छे से इस ये समझ लो तुम लोगों को लॉकडाउन में फायदा ही है कि घर बैठे आप अच्छे से लर्न कर रहे हो, अदरवाइज अपन वैसे जुलाई में क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ये आपके एडवांस चल रहा है, एडवांस में तुम लोगों को फिजिक्स अच्छे से, ये फोर्थ नंबर चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, अच्छे से तुम लोगों को करना है। कोई भी डाउट है तुम लोग बिंदास पूछिए, किसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मस्त होकर पूछिए। हिंदी की भी क्लासेस चल रही, इंग्लिश की भी चल रही, उनकी भी तुम लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और इधर उधर आत्मा नहीं भटकाए, अच्छे से तुम लोगों को जब भी स्कूल रीओपन हो जाए फटाक से स्कूल आना है।